प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती तो उसको कैसे याद करना है। उस चीज को आपने बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी बार वो चीज आपको याद होती जाएगी, क्योंकि जब हम बार बार पढ़ते हैं तो चीज हमारे दिमाग में एक स्थान लेती है। इसके साथ साथ हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। आपने कभी जिंदगी में बॉल को देखा है? बॉल को देखो, ये बॉल होती है फुटबॉल, उसको एक बार मारते हो फिर ऊपर आ जाती है, फिर मारते हो फिर ऊपर आ जाती है, फिर मारते हो ऊपर आ जाती है, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तो क्या होगा? नहीं, मैं याद नहीं कर सकता, एक बार मारा बॉल ऊपर आ गई। नहीं, मेरे से नहीं होगा, बॉल ऊपर आ गई। नहीं, मैं तो याद कर ही नहीं सकता। जितनी बार आप ऐसा कहोगे बॉल ने ऊपर आना है, जितनी जोर से उसको कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, फिर ऊपर आ जाएगी। तो आपको चाहिए कि फुटबॉल मारो आप, मैं कर सकता हूं, एक बार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो आपको उससे रिएक्शन मिलेगा। क्या रिएक्शन मिलेगा? कि आप अच्छा करते जाओगे, बेस्ट बेस्ट बेटर बेस्ट। तो हमें ऐसे ही स्टडी करनी चाहिए, अपने मन को पॉजिटिव लेके चले, एटीट्यूड मैं कर लूंगा, ये तो आसान है, इट इज इजी। तो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। अगर आप ये सोचोगे कि मुश्किल है नहीं हो सकता, तो उसका रिएक्शन आपके ऊपर ही होगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचोगे, क्योंकि स्टडी जो है एक फुटबॉल खेलने जैसा ही है, आप उसको एक गेम समझो, स्टडी इज जस्ट लाइक ए गेम। तो आप उसको एंटरटेनमेंट कीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।